हकीकत में देखा जाए तो संसार में सफलता होती नहीं है, दिखती है। सच्ची सफलता तो यही है कि व्यक्ति गुरु से दीक्षा पाए, जप तप करके वो कमाई कर ले जो मृत्यु के द्वारा छुड़ाई नहीं जा सकती, श्मशान की अग्नि जिसको जला नहीं सकती, ऐसा धन भगवान नाम का है। इसलिए शिवजी ने कहा, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। जैसे भूखे का अन्न में मन खींचता है, भूख लगते तो स्वाभाविक रोटी की तरफ, और प्यासे का पानी में मन खींचता है, उसी प्रकार जिसका ईश्वर में, गुरु प्रदत्त ईश्वर के नाम में मन खींचे, तो समझो कि उसका ये आखिरी जन्म, उसको मोक्ष मिलने वाला है। ईश्वर और गुरु का चिंतन करने वाला न रहे, केवल उनका चिंतन रह जाए, बस करने वाला न रहे, केवल चिंतन, केवल सुमिरन रहे, सुमिरन करने वाला न रहे, ऐसी अवस्था गुरु के दिए हुए नाम को जपने से प्राप्त होती है। क्षुद्र मैं ही क्षुद्र योनियों में ले जाता है, और नाम जप करने से एक क्षुद्रता नहीं, शुद्धता रहती है। गुरु के चरणों में और गुरु के दिए हुए नामदान में, मंत्र में अगर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की कमी हो, तो भगवान से मांगना चाहिए कि मेरा, मेरे आराध्य के चरणों में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, मांग हूं तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, प्रार्थना की है। तो इससे प्रेम, इससे भक्ति बढ़ती है, जो सब सुखों की खान है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघु राई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। शरीर से अगर संबंध रखा है तो मृत्यु ही होगी, पर ज्ञानी गुरुदेव से अपना संबंध स्वीकार किया है कि यही मेरे सच्चे सद्गुरु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट हैं, और उनके कहे अनुसार जो जप तप सेवा सुमिरन करते हैं, तो शरीर से माना हुआ संबंध टूटता है, और उनके प्रति जो शाश्वत संबंध है उसकी स्मृति होती है। इसलिए सत्संग जरूरी है, गुरुदेव का सत्संग। अब तो लोग फोन में जो नासमझ होते हैं बेचारे, फिल्मों के गीतों के मेमोरी कार्ड डालकर वो सुनते हैं, और समझदार तो सत्संग के मेमोरी कार्ड लगाकर वो सत्संग सुनते हैं। जिस घर में भगवान नाम गूंजता है, भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा है, स्थाने ऋषि के शतव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष त्यनुरज्यते च। जिस स्थान पर आपके नाम का कीर्तन होता है, उस स्थान से भूत प्रेत दसों दिशाओं में भाग जाते हैं, और प्रसन्नता, जगत प्रहर्ष त्यनुरज्यते च, प्रसन्नता छा जाती है। क्योंकि भगवान नाम गूंजा तो हृदय पवित्र हुआ, और जितने अंश में पवित्रता ज्यादा उतनी प्रसन्नता ज्यादा, और जितनी प्रसन्नता ज्यादा उतनी मन और प्राणों की ऊर्ध्वगामिता ज्यादा।
और आप सोचिए भगवान का नाम वो भी गुरुदेव के मुख से निकला हो, वो परिपक्व नाम है। आप और हम बोले वो परिपक्व नहीं है, हमारी उतनी वो नहीं, पर गुरु के मुख से निकला है तो सिद्ध है। शिवजी कहते हैं ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम। गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है वो ब्रह्मादि देव मुनि पूजित, उनके द्वारा पूजित सिद्ध मंत्रम। और उससे फायदा क्या होता है? दारिद्र दुख भव रोग विनाश मंत्रम। दरिद्रता दुख और जन्म मरण का अंत गुरु का मंत्र करता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र चाहिए, उसी प्रकार मन ईश्वर से जोड़ना है तो गुरु का मंत्र चाहिए। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार ईश्वर, इन दोनों से ईश्वर का नाम बड़ा है। और वो नाम गुरु के मुख से दीक्षा में मिले तो समझो कितनी बड़ी बात है। फिर कहा मंत्र परम लघु। मंत्र तो बहुत छोटा है, कोई चार अक्षर का, कोई पांच अक्षर का, बारह अक्षर का, गायत्री मंत्र तो चौबीस अक्षर का। मंत्र परम लघु पर जासुवश विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र छोटा है पर उसके वश में ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी और सभी देवी देवता वश हो जाते। और जापक की रक्षा करने को, मदद करने को बाध्य हो जाते हैं। हनुमान जी से पूछा गया कि लंका में आग आपने कैसे लगाई? हनुमान जी ने कहा मैंने थोड़ी लगाई। तो बोले कपड़ा उनका था और तेल उनका था, लंका वालों का ही था, उन्होंने ही तेल में डुबाकर कपड़ा मेरी पूंछ पे बांधा, कपड़ा उनका, तेल उनका, और जो आग लगाई वो आग भी उनकी थी। मैंने तो खाली छलांगे लगा इधर से उधर, उधर से इधर बस, और थोड़ा काम मेरे बाप ने किया, पवन देवता ने। हवा खूब चली, आग खूब लगी। तो बोले आपकी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी ने कहा नहीं जली। क्यों, कैसे? वे बोले कि मैं बार बार सुमिरन करके गया था इसलिए बाल बाल बच गया। शुरुआत में लिखा बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, जय गिरी चरण देई हनुमंता, चले उस गा पा ताल तुरंता। बार बार सुमिरन करके गया। और हनुमान जी ने यह भी सीख दिया जिस पर्वत पर उन्होंने चरण रखा, सुमिरन किया, वो पर्वत पाताल में चला गया। माने जो भक्त सुमिरन करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, विघ्नों के कितने ही पर्वत क्यों ना हो वो पाताल में धस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चले उसुगा पाताल तुरंता। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। तो शरीर से संबंध ही मानते रहे कि मैं ये हूं तो मृत्यु होती है, पर ज्ञानी सदगुरु से अपना संबंध माना, जोड़ा दीक्षा लेकर कि ये मेरे तारणहार है। तो भगवान गीता में कहते हैं ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। ऐसे श्रवण परायण लोग, शब्द कितना प्यारा है, गीता के शब्द किसने सुंदर, श्रवण परायण। ये आप लोग जो यहां बैठे हैं ये क्या है, ये श्रवण परायण है। दोपहर को 12 एक बजे सत्संग पूरा हुआ तो आप गए नहीं, यहां बैठे रहे, ये श्रवण परायणता है गीता की। भगवान प्रसन्न होते होंगे कि मैंने जो गीता में श्रवण परायण शब्द कहा उसको ये प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। ये गीता का बड़ा प्यारा शब्द है श्रवण परायण, जो आपने आचरण में लाके दिखाया है ईश्वर के शब्दों को। जैसे माँ बाप का कहा बेटा बेटी मानते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे ही ईश्वर के शब्दों को जो आचरण में लाते हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ईश्वर की प्रसन्नता मिल गई फिर बाकी क्या रहा। देखो भगवत गीता में ऐसा भी आता है कि भगवान को अच्छा कौन लगता है, भगवान को प्यारा कौन लगता है।
तो 12वें अध्याय में बताया जिसकी अति श्रद्धा है वो भगवान को अति प्यारा लगता है। आपने सुना होगा कोई आदमी मर जाता है ना तो उसके लिए बोलते हैं फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया। अब ये तो वही जाने बेचारा वो किसको प्यारा हुआ है जो मर कर गया, यमदूतों के हाथ लगा के यमराज के हाथ लगा, ये तो वही जाने। परंतु जो जीवन काल में भगवत गीता के अनुसार सदगुरु के चरणों में अति श्रद्धा रख लेता है वो जीवन काल में भगवान का प्यारा हो जाता है, और जो जीवन काल में गीता के अनुसार ईश्वर का प्यारा हो गया वो जरूर मृत्यु के बाद भी ईश्वर का ही प्यारा होगा। और उसके लिए खुद ईश्वर कहते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। गीता में एक जगह नहीं कई जगह ऐसा आश्वासन है हम सत्संगी भक्तों के लिए। एक तो कहा ऐसे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती, दुकान बंद की एक साधक ने आगरा में और रुपए सारे स्कूटर की डिक्की में रखे, स्कूटर चलाते हुए जा रहे थे, रात का समय एक सुनसान गली में चार डकैतों ने रोक लिया, एक के हाथ में बंदूक, सिर पर ऐसे बंदूक दे मारी, गोली नहीं मारी पर ऐसे गिर गए। सोचा कि ये स्कूटर लेकर भाग चलें पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, और वो साधक अपना गुरु मंत्र जप रहे थे, उन चारों डकैतों को हुआ कि कोई लोग आ ना जाए गड़बड़ हो जाएगी, चलो अपन सामान लेकर ही भाग चलते हैं, रुपए भी सारे इसी में होंगे। वो दो थैले जो आगे लटक रहे थे स्कूटर पर लेकर भाग गए। ये साधक उठे, स्कूटर स्टार्ट किया, गुरु मंत्र जपते हुए घर आए, डिक्की से रुपए निकालकर तिजोरी में रखे। घर वालों ने पूछा है चोट काहे की लगी, सारी बात बताई तो पूछा कि वो डकैत ले गए उन थैलों में क्या था, बोले रुपए तो सारे डिक्की में थे, उन थैलों में क्या था, बोले हरी सब्जी थी और जूठा टिफिन था दोपहर का, मांझ रहे होंगे बेचारे, जूठा रोटी भी नहीं थी उसमें। तो जापक जो होता है जप करने वालों में, तुलसीदास जी ने नाम लिया प्रहलाद जी का, जप करने वाला प्रहलाद की तरह हो। जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दलि सुरसाल, राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलिकाल। ईश्वर का नाम कलयुग में भगवान नरसिंह अवतार के समान है जो जप करने वाले की कदम कदम पे रक्षा करता है। भगवान शिव जी कहते हैं सकल अमंगल मूल नसाही जिनकर नाम लेत मन माही। जिनका नाम ले और सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए। करतल होई पदार्थ चारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो जाए, सत्संग और गुरु दीक्षा से संभव है। शास्त्र और गुरु की बात फिर व्यक्ति को सच्ची मान लेनी चाहिए, उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए और उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर और गुरु परीक्षा का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। कभी भी ईश्वर और गुरु को परीक्षा भवन में नहीं बिठाना चाहिए, परीक्षा अपनी करनी चाहिए कि हम भक्ति में साधना में कहां तक पहुंचे। वो तो प्रेम का विषय है। रावण को शंका हुई तो उसने खुद परीक्षा लेने की सोची, और राम जी ने भी सोचा कि आया बड़ा मेरी परीक्षा लेने वाला। तो रावण ने सोचा अगर ये सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे कि मारीच है, ये स्वर्ण मृग नहीं है। पर ईश्वर ने भी ठान लिया कि मुझे तुझे अपनी सर्वज्ञता का प्रमाण देना ही नहीं। वो दौड़ गए मारीच को, मारीच के पीछे। रावण ने सोचा था ये ईश्वर होंगे तो सर्वशक्तिमान होंगे, बैठे बैठे ही उसको मार सकते हैं, पर राम जी तो उसके पीछे दौड़ गए।
तब रावण बोला अगुन अमान जानी ते ही दीन पिता वनवास। राम जी ने कहा ठीक है, परीक्षा लेने गया पर बिचारा परिणाम सही नहीं पाया उसने। पर जिन भक्तों का प्रेम है अपने ईश्वर में गुरु में, तो वे उनके प्रति प्रेम के माध्यम से उनकी कृपा से सब कुछ पा लेते हैं।